वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बहू ससुराल में कैसे समझदारी से रहे। तो दोस्तों, आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी को उनके कैरियर बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर गृहस्थी पे उतना ध्यान नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में शादी तो करनी ही पड़ती है अपनी बेटी की, तो बेटी को तब लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, एक से एक चुनौती का सामना करना पड़ता है जब उसकी शादी हो जाती है। और शुरू में अगर वो बहू के रूप में समझदारी से काम नहीं लेती है तो जीवन भर उसे वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल पाता है जो एक अच्छी बहू, लाडली बहू को मिलनी चाहिए। उसके बाद वो कितना भी अच्छा काम कर लेती है फिर भी वो सास का दिल नहीं जीत पाती है, ससुराल में ठीक से रह नहीं पाती है, उसे अलग रहना पड़ता है। और इस चीज़ का ताना जो है रिलेटिव, रिलेशन वाले सभी, जीवन भर वो कितने भी कामयाब हो जाए लेकिन इस चीज़ का मलाल उसे जीवन भर रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप शुरू में ही ससुराल में ऐसा समझदारी से रहें जिससे कि आपकी छाप, छवि हमेशा बनी रहे शुरू से लेकर अंत तक। तो ऐसा क्या करें, किस तरह का समझदारी अपनाएं या किस तरह का टिप्स अपनाएं जिससे कि हमें ससुराल में रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले और सबों की चहेती बहू हम बन जाएं। तो इसी पे आज हमारा वीडियो है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और अपना कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, उससे मैंने कुछ पॉइंट्स लेके आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैच्योर बनिए। हाँ, मैच्योर बनने का मतलब है कि अब आप में जो बचपना हरकत है उस चीज़ से आपको ऊपर उठना होगा। अपने माता पिता, पेरेंट्स के सामने आपका हर जिद पूरा हो जाता था लेकिन ये ससुराल है तो थोड़ा सा अंतर तो होगा ही। तो वहाँ आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ आपकी गलतियों को कोई माफ़ करने के लिए नहीं बैठा है बल्कि आपको वहाँ एक से एक नई चुनौती मिलेगी और आपको चेक किया जाएगा कि आप कितनी समझदार हैं, आप में कितना पेशेंस है और आप कितना मैच्योर हैं। और पहले तो आपको पूरी तरह से आपकी क्या मतलब सोच है, बहुत सारी बातें आपके बारे में जानने के लिए वो लोग कुछ ऐसी ऐसी हरकत भी करेंगे जिससे आपको दुख होगा। तो इस कंडीशन में आप अपने आप को मजबूत बनाएं तो ये मैच्योर बनकर, समझदार बनकर ही होगा। तो कोई कितना भी उकसाए, कोई कितना भी पिन मारे, कोई कितना भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करे लेकिन आपको वहाँ उस समय कोई रिएक्ट नहीं करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके घर में दो देवर हैं और लड़ रहे हैं तो बीच में आप नहीं पड़े, कुछ मत बोले, कुछ रिएक्ट नहीं करें क्योंकि अगर आप एक शब्द भी वहाँ कुछ बोलती हैं, आपके मुँह से गलती से निकल जाता है तो वो सब अपना फैमिली वो सब मिल जाएंगे और सभी आपके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आप फंस जाइएगा। तो जाते जाते ससुराल में आप किसी भी पारिवारिक मामले में ना पड़े। पॉइंट से पेट की बात ना बताएं। कहने का मतलब है कि हर इंसान की कुछ अपनी पर्सनल बातें होती हैं तो उस चीज़ को आप अगर कभी सास प्यार से आपसे बात करें या ननद जेठानी प्यार से बात करें तो आप फंसे नहीं और अपनी सारी बातें या आप किसके बारे में क्या सोचती हैं, अपनी सास के बारे में क्या सोचती हैं जेठानी को ना बताएं, जेठानी के बारे में आप क्या सोचती हैं ननद को ना बताएं क्योंकि उस समय तो प्यार से वो बात कर रही है तो आपको लगेगा कि मेरी दोस्त है, सखी है, सहेली है, फ्रेंड से बता देती हूँ। लेकिन वही बातें जब वो जाके अगर आपकी सास को बता दे, कान भर दे तो फिर आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेट की बात अपनी सास, किसी को भी, कोई कितना भी प्यार से बात करे, आप इधर की बात उधर ना करें और किसी को ना बताएं। इनसे कि शांत और स्माइल रखें अपने चेहरे पे। ससुराल में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको कितना भी भरा बुरा कहा जाए आपके मैके के बारे में, आपके बारे में, आप सुंदर नहीं हैं, आप अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, आप अच्छी बहू नहीं हैं, कोई भी पिन मारे, ताना मारे आपके भाई या पापा के बारे में, तभी भी आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना है, अनसुना करना है, इग्नोर करना है। अंदर से दिल दुख भी रहा हो, हट हो भी रही है तो उसे जाहिर नहीं करना है और शांत रहना है। अगर आप शांत रहिएगा तो धीरे धीरे वो लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत शांत और समझदार है।
और मुस्कुराते रहती है, तो फिर वो लोग धीरे धीरे कहना बंद कर देंगे, वो समझ जाएंगे कि ये बहुत समझदार है। तो इस तरह से समझदार इंसान जो होता है वो शांत और अपने चेहरे पर मुस्कान रखता है हर स्थिति में। तो आपको ये फार्मूला तो 100% यूज करना है, ये तो आप अगर बहू बनने जा रही हैं तो शुरू से ही ये चीज़ अपने अंदर रखें, नहीं तो बाद में आप कितना भी अच्छी बन जाएं, कितनी भी समझदारी आ जाए, लेकिन शुरू की गलतियां जो है ना वो सबों के दिमाग में छप जाती है, फिर आपको कभी ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए शांत और अपने चेहरे पर स्माइल आप ज़रूर रखें। पॉइंट से कि कम बोलें, हम जब तक अपना मुंह नहीं खोलते हैं लोग जान नहीं पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो जैसे कि एक दुकान में ताला लटका रहता है तो दुकान में क्या चीज़ें हैं, कैसा है दुकान, ये हम नहीं जान पाते, जब ताला खुलता है तब जानते हैं। उसी तरह इंसान भी होता है। तो आप कम बोलें, जितना शुरू में कम बोलिएगा या कम हमेशा बोलना चाहिए, उतनी लड़ाई झगड़े कम होंगी, उतने आपके बारे में कम लोग जानेंगे और आप गंभीर बनी रहेंगी और आपका ससुराल में उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। तो जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। पॉइंट से कि दिमाग का यूज़ करें, जैसे आप पढ़ाई में करते हैं अपने दिमाग का यूज़ करती हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन याद करना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, कब कहाँ क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कितनी पढ़ाई करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम करियर बनाने में यूज करते हैं। तो लाइफ में भी हमें इतना ही दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका आपके पति के साथ कैसा रिश्ता है, आपके देवर के साथ कैसा रिश्ता है, देवरानी के साथ कैसा रिश्ता है, जेठानी के साथ कैसा रिश्ता है, सास ससुर के साथ कैसा रिश्ता है, आस पड़ोस के साथ कैसा रिश्ता है, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हम सोचते हैं सिर्फ कैरियर हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं, रिश्ते भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर संभाल के ना रखा जाए, शुरू में ही ससुराल में बहू अगर संभाल के रिश्तों को ना रखे तो बहुत बाद में परेशानी होती है। कभी भी अच्छी लाडली अच्छी बहू और इससे रिस्पेक्ट ससुराल में मिलता ही नहीं है। तो इसलिए शुरू में ही दिमाग का यूज करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर सास है कुछ कहे कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आपकी बहू तो बहुत बेशरम है, घूंघट नहीं करती, आपकी बहू ऐसी है वैसी है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कोई तीसरा नहीं बोल रहा है, ये आपकी सास अपने मन की बात बोल रही है। ये जो बात है ना, ये आपकी सास की मन की बात है, कोई तीसरा नहीं बोल रहा है। ये सास लोग का बोलने का एक तरीका होता है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए और जितना हो सके वो जो सास बोल रही है तीसरे का नाम लेकर उस चीज़ को समझ के अपने अंदर सुधार लाइए और ज़्यादा उस पर रिएक्ट मत कीजिए कि उसने मुझसे ऐसा कहा। कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपका, शांत रहिए, समझदार बने रहिए। पॉइंट है, शुरू में हम कोई भी गलती ना करें। कहने का मतलब है जब लड़कियों की शादी होती है, वो बहू बनती है, तो शुरू में ही वो कुछ गलती कर देती हैं, जैसे ज़ोर से चिल्लाकर बोल देना किसी को, कुछ गुस्साकर फेंक देना, या पति से सबों के सामने लड़ाई करना। तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये शुरू में ही अगर हम गलती कर देते हैं तो बाद तक अंत तक ये गलती हमारी सभी याद रखते हैं। और हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कितना भी कामयाब हो जाएं बाद में, लेकिन वो लोग इस गलती को सुनाकर हमें ताना मारते रहते हैं और हमें हमेशा दुख पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती आप ना करें। पॉइंट्स है कि हर बात अपने पति को ना बताएं। अगर पति सुनते हैं और समझदार हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं सुनते हैं, वो घर में उनकी बात नहीं मानी जाती है या वो मजबूत नहीं है, तो उन्हें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर बात को अपने हस्बैंड से बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या है, सास ने कुछ कहा, जेठानी ने कुछ कहा, तो आप अपने तक ही रखिए और अपने से कोशिश कीजिए कि उस समस्या का समाधान आप ढूंढ लें। क्योंकि पति जो है वो बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, इनकम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो घर के मामलों में फंस जाएंगे तो उनके जो काम है उस पर दिक्कत होगा। तो इसलिए अपने हस्बैंड को घर की सारी बातें मत बताएं। 8 पॉइंट्स है, मीठा बोले। ससुराल वाले कितने भी परेशान करें लेकिन आप अंदर से मजबूत रहें
और अपने खाने पीने का ध्यान रखें और मीठा बोलें, क्योंकि अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहते हैं, तब हम खुश रहते हैं। तो इसलिए जितना हो सके कि मीठा बोलें और मीठा खाएं और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और हाँ, शुरू से ही आप बासी खाना, बचा हुआ खाना ना खाएं। शुरू से ही अपना इमेज बना के रखें, नहीं तो अंत तक आपका यही इमेज रह जाएगा कि ये बहू को तो कुछ भी खाने को दे देते हैं तो ये खा लेती है। तो इस तरह से आपका मतलब इमेज शुरू से ही ख़राब हो जाएगा। तो अपनी वैल्यू बना कर रखें। पॉइंट्स है, कम काम करें, अपनी वैल्यू बनाएं, इज्जत बनाएं। सीधे मत बोले मैं काम नहीं करूँगी, डायरेक्ट ना नहीं कहना है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा शो करें, मुझसे इतना काम होगा ही नहीं। बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे काम करें, क्योंकि जैसे हम जॉब में कितना भी काम करते हैं और काम ख़त्म कर लेते हैं तो बॉस एक काम के बाद दूसरा काम दे देते हैं, उसी तरह ससुराल में अगर आप बैठी हैं सारे काम निपटा के और जेठानी काम कर रही है तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए आराम से काम करें, धैर्य से काम करें और धीरे धीरे काम करें, और काम के दौरान ही आराम कर लें। तो ऐसे मैंने बहुत सारी टिप्स आपको बताई हैं कि आप कैसे अपना ख्याल रखकर, अपनी वैल्यू बनाकर आप ससुराल में समझदारी से रह सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियो, रिलेशनशिप की वीडियो लाते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।